हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट, जो अभी एग्ज़ाम हाल ही में हमारे संपूर्ण हुए हैं एमपी के। उनका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, तो सारी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा मैं आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अप्रैल में आएगा पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। आप देख सकते हैं हेडलाइन हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि अप्रैल में आएगा पुलिस भर्ती का रिजल्ट। तो मैं सारी जानकारी दूंगा कैसे क्या हो आएगा, क्या उसकी प्रोसेस है। तो 8 जनवरी से जो आरंभ हुई थी हमारी परीक्षा, वो लगभग ये 37 दिन चली। संभवतः अप्रैल में पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आएगा। इस स्पर्धा घटने से बहुत बड़ी राहत अभ्यर्थियों को मिल गई। 12 लाख में से 60% ही शामिल हुए, मतलब लगभग 12 लाख का 60% करेंगे तो हम लगभग होगा 7,20,000 विद्यार्थी ही इस परीक्षा को दे पाए हैं। इधर राहत की बात यह है कि 2,000 नए पद भी मिल गए आपको, तो यह कुल 6,000 पद हो गए हैं। सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सिर्फ पास होना जरूरी होगा। इसके मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इधर बड़ी बैठक होगी भोपाल में, पीबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की बड़ी बैठक है। इंदौर में यह परीक्षा 13 सेंटरों पर हुई थी। प्रदेश में कुल 13 शहरों में 37 दिन तक परीक्षा चली। इस दौरान 12,70,000 अभ्यर्थियों में से शामिल होने थे, मगर करीब 40% नहीं आए। पीईबी ने 2020 में एमपी पुलिस में 4,000 कॉन्स्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन 4,000 वैकेंसी में से 3,862 पद जीडी कॉन्स्टेबल एवं 138 पद रेडियो कॉन्स्टेबल के थे। हालांकि कुछ दिन पहले 2,000 पद बढ़ा दिए गए। इस बार पीईबी ने सबसे बड़ी चिंता मुन्ना भाइयों की भी थी, कुछ पकड़े भी गए थे। उसके अलावा पर्चा आउट ना हो इसे लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस स्थानीय प्रशासन के साथ कई एजेंसियां परीक्षा पर निगाह रखी थी। बार बार ये टलती रही परीक्षा, लेकिन हाल ही में इसको कराई दिया गया। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता के लिए परीक्षा में बुलाया जाएगा। स्पर्धा घटने से बहुत बड़ी राहत, 12 लाख में से 60% शामिल हो पाए और 2,000 नए पद मिल गए। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जानकारी जैसे जैसे अपडेट होती जाएगी, मैं आपको हर समय इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेशन देता रहूँगा। तो अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अभी दो या 4 दिन में आपकी आंसर की भी आ जाएगी। तो आप अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो कंटिन्यू करते रहिए, और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आज फिजिकल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अगर आपका हो तो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना ताकि सभी को पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।